हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैक मूवी के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विद्युत जम्वाल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन की मूवी क्रैक एक्शन का एक अच्छा डोज है। फिल्म ठीक ठाक है, इतनी उम्मीद से मत जाइएगा। लेकिन हाँ, मल्टीकास्ट की जगह अगर फिल्म में सिर्फ विद्युत होते तो शायद फिल्म और भी बेहतर होती। एक्शन मूवी और स्क्विड गेम जैसे चीजों के फैन है तो ये फिल्म आपके लिए है। विद्युत जम्वाल के एक्शन से ही मूवी में जान आई है। अर्जुन रामपाल और विद्युत जम्वाल के फाइट सीक्वल ने फिल्म को संभालने की कोशिश की, जिसमें कहीं ना कहीं कामयाबी भी हुई। लेकिन अगर टिकट खरीदेंगे तो सोच समझ कर खरीदे, क्योंकि फिल्म में विद्युत के अलावा कुछ नहीं है। ये कहानी दो भाइयों की है जिन्हें खतरों से खेलने का शौक होता है। विद्युत और उनके भाई वर्चुअल गेमिंग मैदान का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें जान का खतरा है। लेकिन अपने बड़े भाई जो इस गेम में पहले ही जान गंवा चुके हैं, उनका और अपना सपना पूरा करने सब छोड़ सिद्धू यानी कि विद्युत जम्वाल मैदान में अपने आप को साबित करने निकल जाते हैं। मैदान का कर्ता धरता देव अर्जुन रामपाल है, जो पूरा गेम कंट्रोल करता है। पैट्रिका नोवाक यानी कि एमी जैक्सन पुलिस है, जो देव का सीक्रेट प्लान जानती है, जिसके बीच में विद्युत फंस जाते हैं और अपने गेम से भटक जाते हैं और अपनी भाई की मौत की वजह से जान में लग जाते हैं। बाद में विद्युत यानी सिद्धू को गेम में खेलने का मौका मिलता है और वो अपनी भाई की मौत का कारण ढूंढने में अपने जान लगा देता है और उनकी मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बीच आलिया यानी कि नोरा फतेही, जो मैदान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्हें और सिद्धू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन आलिया सच्चे प्यार को साबित करने के लिए देव को छोड़ सिद्धू का साथ देती है। रेस के 3 राउंड के बाद देव और सिद्धू की लाजवाब फाइट होती है, जिसने सबका दिल जीत लिया है। मूवी देखकर विद्युत जम्वाल की फैन फॉलोइंग पक्का बढ़ने वाली है, क्योंकि विद्युत और अर्जुन जब शर्टलेस हुए थे थिएटर में लड़कियां पागल हो रही थी। लेकिन अगर लड़के नोरा के लिए जा रहे हैं तो इस बार नोरा का चार्म थोड़ा हल्का पड़ गया है। इस मूवी का डायरेक्शन आदित्य दत्त ने किया है। दोस्तों, आपने क्रैक मूवी देखी तो आपको कैसी लगी और आप इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।